करिए, ये मेरे आलू, आज मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, मैंने आपको बताया था ना। और ये मेरी चाय बन रही है, तो अब इसमें दूध डालना है। ये मेरे आलू है, इसमें ये देखो मैंने 4 आलू लिए हैं, और ये मैंने 1 प्याज लिया है, 1 ठीक है, और ये मैं इसमें ही धनिया मैंने काट दी, इसी के अंदर हरी मिर्च भी काट दी है, ठीक है। और मेरे पास ना अभी वो नहीं है, क्या नाम है, मैं नमक स्वाद अनुसार, ये देखो स्वाद अनुसार नमक डालना है, बाकी आपको जैसा लगे वैसे देख लेना, ठीक है। कोई तेज खाते हैं, और थोड़ा सा लाल मिर्च हल्का सा, मैंने क्योंकि ग्रीन चिली मैंने डाली है, हल्का सा लाल मिर्च, और अमचूर पाउडर अपने हिसाब से, खट्टे के उसमें तेज डालता है थोड़ा सा, और मैं ज्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल करती हूँ, मैं रेड चिली का तो बहुत कम, अजवाइन थोड़ा पेट के लिए का प्रॉब्लम। काली मिर्च मैंने कहा मैं ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ, इतनी भी इस्तेमाल नहीं करती, मैं टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करती हूँ, तो इस आप फूट फूट के डाल दो, ठीक है। और उसके बाद इसको मैश करना है, क्योंकि मुझे चाहिए बर्तन बड़ा, थोड़ा सा अगर मैशर अच्छा हो जाएगा। मैंने इसे सब कुछ डाल दिया था, आप हाथ से करना चाहो तो जो आपकी मर्जी है, घर पे अगर आपके गुस्सा नहीं करते तो हाथ से मैश कर दीजिए, लेकिन मैं हाथ से बल्कि बेटर हो जाता है, मैं हाथ से ही इसको, मैंने ठंडे कर लिए थे आलू, 4 आलू मैंने करे थे, हम इतने बन गए हाथ से बने। तो मसाला इम्पोर्टेंट है प्याज का, आलू के पॉइंट का, तो ये अच्छा नहीं तो मज़ा नहीं, ये जरूरी है द बेटर। आपको मैं कौन बना के दिखा देती हूँ।
सा इसमें आप हल्का सा जब करते हैं ना घी लगा लीजिए, थोड़ा सा शराब उसको डालिए। ये मेरा बंद नहीं हो गया और फटाफट बना रहे, वीडियो लंबी जा रही है थोड़ी सी। यार ये मेरा बंद साइड हो गया, अभी नहीं सीखा अच्छी तरह वन साइड, जब तक मैं दूसरे पेड़ की तैयारी कर लेती हूँ। दोपहर तीनों टाइम लंच ब्रेक ब्रेकफास्ट सबका अपना अपना रूल है। ये मैंने चारों तरफ घी लगा दिया, क्योंकि मन सेट से चिकन चिपक जाता है नीचे पे। कोई सिप करके नहीं सिखाता है तो आप मेरी चाय भी बन चुकी है। किनारे जो अच्छी तरह पकने चाहिए, मजा नहीं आएगा फिर कच्चे कच्चे रह जाएंगे। आलू का पराठा टेढ़ा थोड़ा कम आलू ज्यादा मान। क्यूटी पराठा आप देख लीजिए और इसमें कर देती हूँ आप मक्खन घी जिसके साथ मर्जी खा जाइए और स्वाद लीजिए।